हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी। ई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहे थे और सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट चल रहा है, क्लास नंबर 3 है। 25 क्वेश्चन तक हम करा दिए थे, 26 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो CIL के लिए हेल्पफुल रहेगा, कोल इंडिया लिमिटेड के, और UPSC AE के लिए हेल्पफुल रहेगा। वैसे तो कहने का ज़रूरत ही नहीं है कि ESE का ऑब्जेक्टिव का जो प्रीवियस ईयर है वो हर एग्ज़ाम में आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया हुआ है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला, ए थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैन बी स्प्लिट इंटू द टू कंपोनेंट, द हाइड्रोस्टैटिक स्टेट एंड द डेविएट्रिक कंपोनेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज गिवेन बाय, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का इसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा ये आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम बना के रखे हुए हैं तो उसको देख लेते हैं। देखिए, तो स्ट्रेन इन ए प्रिंसिपल डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड आर, एक्स डायरेक्शन में आपका स्ट्रेन कितना होगा, तो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में अगर हमको स्ट्रेन निकालना है तो ई एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई होता है ना, कि आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इक्वल्स टू स्ट्रेन बाई स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। तो ई इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा। ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम निकाल रहे हैं तो सिग्मा एक्स बाई ई होता है और म्यू जो होता है वो लैटरल स्ट्रेन बाई लीनियर स्ट्रेन होता है। तो लैटरल वाई और जेड डायरेक्शन में देखेंगे, अगर एक बार हम लोग एक्स डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं स्ट्रेन, अगर वाई और जेड डायरेक्शन में देखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई होगा, माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। तो म्यू कॉमन ले लिए और माइनस कॉमन लिए तो म्यू इंटू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई होता है। जैसे लेटरल स्ट्रेन जो होता है ना वो क्या हो जाएगा, लेटरल बाई लीनियर जो होता है वो म्यू होता है। तो लेटरल निकालेंगे तो म्यू इंटू ई हो जाएगा, ई हट जाएगा, तो ई एल जो होता है यही वाला चीज़ हो गया कि आपका म्यू इंटू ई निकाल दिया। तो सिग्मा वाई डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई ई हो जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई बाई ई होगा और ये माइनस में होगा क्योंकि अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ई एक्स का ये लिख दिया इक्वेशन, ई वाई का भी क्या लिखे, सिग्मा वाई बाई वाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स बाई जेड डिवाइड बाई ई जेड के लिए भी आप लिख दिए, ठीक है। ई एक्स ई वाई और ई जेड लिख दिया। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर आपको निकालना है ई एक्स ई भी, तो क्या करेंगे, तीनों को हम जोड़ देंगे, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, जैसे कि यहाँ पे हम जोड़ के दिखाए हुए हैं। तो ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, अगर ये तीनों इक्वेशन को आप जोड़ते हो तो कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा। आप कर सकते हैं, इसमें कुछ वैसा नहीं है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई तो होगा ही, और ये सब कैंसिल होके 1-2 म्यू बचेगा। तो 1-2 में ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया आपका, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निकालना क्या है, क्वेश्चन देखिए आप एक बार फिर से, हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 26, थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैन बी स्प्लिट इनटू अ टू कंपोनेंट, द हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस एंड डेविएटिव कंपोनेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्टेट प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक स्टेट प्रेशर क्या होगा, देखिए ई वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ई वी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई जी डिवाइडेड बाई थ्री के हो जाएगा, होता है ना, ई इक्वल्स टू थ्री के इंटू 1-2 म्यू होता है। ई का फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू थ्री के इंटू 1-2 म्यू। तो यहाँ पे ई डिवाइडेड बाई 1-2 म्यू करेंगे तो थ्री के आएगा, तो यहाँ पे थ्री के लिख दिए, नहीं तो थ्री के क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या होगा आपका, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई थ्री। अब ये क्यों होगा, आपको पता है कि बल्क मॉडुलस के इक्वल्स टू क्या होता है, डेल पी डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूला से प्रेशर निकालोगे, तो अगर इस इक्वेशन से मैच कराओगे तो
सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई जेड डिवाइडेड बाई थ्री जो हो जाएगा वो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाएगा। देखिए कैसे करना है आपको, सबसे पहले तो आप देखिए अगर क्वेश्चन में अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस रहता है यही में, तो देखिए कितना आपका सुलझा हुआ क्वेश्चन है कि मॉडुलस ऑफ जो बल्क मॉडुलस होता है वो डेल पी डिवाइडेड बाई ई भी होता है, तो आप ई भी पहले निकाल दीजिए, तो ई भी निकालेंगे तो आराम से आपका क्या निकल जाएगा, डेल पी निकल जाएगा, डेल पी क्या हो जाएगा के इंटू ई भी, वही चीज़ इस क्वेश्चन में किए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, देखिए 27 क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज इंक्लाइंड इन एक्स एंड वाई एक्सिस सच दैट द यूनिट वेक्टर, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा होगा तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ सर्कुलर सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर सर्कुलर सरफेस एरिया दिया हुआ है, इज इंक्लाइंड टू द एक्स एंड वाई एक्सेस, इज इंक्लाइंड टू द एक्स एंड वाई एक्सेस सच दैट द यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज गिवेन बाय 0.4i + 0.3j, तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है आपको कि देन द स्ट्रेस ऑन द सरफेस, सरफेस पे कितना स्ट्रेस होगा ये निकालना है। क्वेश्चन आप आई थिंक समझ गए होंगे, कुछ इसमें कुछ है नहीं, फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है 2000i दिया हुआ है, फोर्स 2000i दिया हुआ है, और नॉर्मल जो वेक्टर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0.4i + 0.3j कैफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका, आपको निकालना क्या है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स आपको तो स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस जब निकालना होगा तो आपको फोर्स बाय एरिया करिएगा, तो फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए एफ डॉट एन कर देंगे, तो फोर्स का कंपोनेंट निकल जाएगा, तो एफ डॉट एन करेंगे तो 2000 इंटू आई दिया हुआ, तो आई वाले फिर से सिर्फ से मल्टीप्लाई होगा, तो 2000 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा 800 केजी हो जाएगा। अब देखिए 800 केजी जब निकल गया तो 800 डिवाइडेड बाई फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया करेंगे, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, तो क्या निकल जाएगा 4 kg/cm² जो है वह स्ट्रेस निकल जाएगा, यही निकालना था क्वेश्चन में, आप इसका कितना आंसर कर दोगे, सी आंसर कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, अ 600 मीटर लॉन्ग एंड 50 mm डायमीटर रड, 600 मीटर लॉन्ग, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन मैनेज कीजिए, आगे क्वेश्चन जो है वो ठीक ठाक दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन फिर सही दिया हुआ है, आप एक क्वेश्चन और मैनेज कर लीजिए, ये वाला थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो अच्छी, और हम पढ़ भी दे रहे हैं यहाँ पे, 600 मीटर लॉन्ग एंड 50 mm डायमीटर रड ऑफ अ स्टील E = 200 GPa, α = 12 × 10⁻⁶ इज अटैच्ड एंड्स टू द एल्डिंग सपोर्ट, और क्या बोला है, व्हेन द टेम्परेचर इज 30 °C देयर इज नो स्ट्रेस, आफ्टर द टेम्परेचर ऑफ द रॉड ड्रॉप्स टू -20 °C देन द एक्सियल स्ट्रेस इन द रॉड विल बी, एक्सियल स्ट्रेस क्या होगा रॉड में, तो इसका देखिए कैसे करते हैं हम लोग एक्सियल स्ट्रेस निकालने के लिए, तो एक्सियल स्ट्रेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रेस का इस टाइप के फॉर्मूला में देखिए बनाया है कि नहीं बनाया है, देखते हैं नहीं तो फिर हम यहीं पे आपको समझा देंगे, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मैंने सॉल्यूशन इसका किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है अलग से, हाँ किया हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन, तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 30 °C पहले टेम्परेचर था, उसके बाद ड्रॉप हो गया 20 °C हो गया -20 °C, सॉरी, तो इसमें कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, कितना स्ट्रेस लग रहा है इस टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद, वही चीज़ निकालना है, तो स्ट्रेस इक्वल्स टू आपको पता है कि ई जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या निकाल लेंगे, स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, E = α(Δt) होता है, जब आपको एक अल्फा दिया हुआ है कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और डेल्टा टी जो होता है वो टेम्परेचर चेंज होता है, तो आपको स्ट्रेन निकालने के लिए α(Δt) डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, और अगर आपको स्ट्रेस निकालना है तो E से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, तो स्ट्रेस निकल जाएगा, तो स्ट्रेस निकल जाएगा तो 2 × 10⁵ क्या दिया हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ है, तो 2 × 10⁵ और डेल्टा टी जो दिया हुआ है
टू इंटू टेन टू पर ई दिया हुआ, और अल्फा का वैल्यू 12 × 10⁻⁶ दिया हुआ है। आपको पता भी है कि स्टील का जो होता है कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 2 × 10⁻², क्या चीज बोल रहे हैं, हाँ अल्फा 12 × 10⁻⁶ होता है इसका, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा 30 था, इसके बाद -20 हो गया, तो 30 माइनस ऑफ -20 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो 120 मेगा पास्कल होगा। और ये किस चीज़ में होगा, ये कंप्रेशन में होगा। कंप्रेशन में क्यों होगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका जो स्टील है वो खींचा जाएगा, तो उसके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगा, टेंशन जनरेट होगा, सॉरी कंप्रेशन जनरेट होगा, तो वो सिग्मा इक्वल्स टू 120 मेगा पास्कल कंप्रेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है W ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, और ये इस तरह से देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है, ए बी एंड सी डी सस्पेंडेड है आपका, और इसका लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, इसका दिया हुआ है 6 मीटर, और W लोड सस्पेंडेड है, तो क्या निकालना है, इफ द स्ट्रेस इन ए बी एंड सी डी आर P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली देन द रेशियो विल बी, ठीक है क्या निकालना, क्या आपको इफ द स्ट्रेस इन द ए बी एंड सी डी आर P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली देन द रेशियो विल बी, आपको रेशियो निकालना है, किस चीज़ का रेशियो निकालना है, P1/P2 का रेशियो निकालना है, P1 स्ट्रेस दिया हुआ है और P2 स्ट्रेस दिया हुआ है, उसका रेशियो कितना होगा। तो आपको पता है कि इस टाइप के अरेंजमेंट में, इस टाइप का अगर अरेंजमेंट है तो इसमें क्या होगा कि डिफ्लेक्शन सेम होगा, डिफ्लेक्शन मतलब जो डिफॉर्मेशन होगा सेम होगा, इसको भी हम बनाए होंगे तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर से हम वहीं पर बता देंगे। तो देखिए 29 हाँ बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे P1 4 मीटर दिया हुआ है, लेंथ इसका 6 मीटर दिया हुआ है, तो दोनों केस में क्या होगा, एलोंगेशन जो डेल्टा का वैल्यू सेम होगा, तो PL/AE होता है, तो एरिया तो दोनों चीज़ में सेम ही है, तो ये हटा दिए डायरेक्टली हम, P1L1/E1 प्लस इक्वल्स टू P2L2/E कैंसिल हो जाएगा, तो P1/P2 क्या हो जाएगा, L2/L1, तो L2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, और L2 का L1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो 6/4 = 3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन में कर सकते हो 3/2 होगा, इसका आंसर जो है वो 3/2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30, देखिए क्या बोल रहा है, 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बोल्ट इज थ्रेडेड थ्रू ए ट्यूबुलर स्लीव व्हेन द नॉट इज टर्नड अप जस्ट टाइट देन द नॉट इज टर्नड फर्दर द बोल्ट बीइंग पुट इन ए टेंशन एंड द स्लीव इन ए कंप्रेशन द डिस्टेंस बाय विच द नॉट इज टर्नड इज इक्वल्स टू, कितना डिस्टेंस से वो नट टर्न हुआ है। तो आपको इस में कुछ करना नहीं है, जो टर्न हो रहा है नेट, देखिए एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, इसमें इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, आपका जो नट है जैसे ही टर्न होता है तो जो स्लीव होता है उसके ऊपर जैसे हम कसते हैं वो कंप्रेशन उस पर जनरेट होता है, और बोल्ट जो है जिस पे जिसको हम कस रहे हैं उसमें टेंशन हो जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है कंप्रेशन और टेंशन। तो यहाँ पर जो स्लीव है जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कंप्रेशन हो रहा है तो स्लीव जितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बोलता है बोल्ट जितना स्ट्रेच हुआ, दोनों का जो डिफॉर्मेशन है टोटल डिस्टेंस बाय विच द नट इज टर्न्ड इज इक्वल टू द समेशन ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द बोल्ट एंड द स्लीव, ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरा आपका निकल जाएगा, आपका वो चीज़ निकल जाएगा इसमें जो पूछ रहा है क्वेश्चन, डिस्टेंस बाय विच द नट इज टर्न्ड, तो ये निकल जाएगा आपका, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, देखिए एक एक न्यूमेरिकल हम सही तरीके से बता रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, अब ए बार ऑफ इलास्टिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस σ1 इन ए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, सुटेबल लेटरल कंप्रेसिव स्ट्रेस σ2 इज अप्लाइड अलोंग ईच ऑफ द अदर टू लेटरल डायरेक्शन टू लिमिट द नेट स्ट्रेन इन ईच ऑफ द लेटरल डायरेक्शन टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉट इट कुड बी अंडर σ1 एक्टिंग अलोन इफ म्यू इज द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ σ2 इज द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और आपको बड़ा टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, तो समझने का जरूरत है इसमें, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, आप एक बार समझ जाओगे क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। देखिए सबसे पहला चीज़ क्या बोल रहा है इसमें, ये चीज़ समझना है, क्या बोल रहा है, ए बार ऑफ इलास्टिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस σ1 इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज़ पता है कि एक आपका इलास्टिक बॉडी है और उस पर σ1 लग रहा है कंप्रेसिव,
लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, बस इतना ही आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं, उसके बाद ऊपर वाला क्वेश्चन भूल जाइए, सिर्फ सिग्मा वन याद रखिए कि एक सिग्मा वन लग रहा है अब जो भी है। तो अगला क्वेश्चन, अगला मतलब इसी में देखते हैं, सुटेबल लैटरल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा टू इज अप्लाइड अलोंग ईच ऑफ द अदर टू लैटरल डायरेक्शन टू लिमिट द नेट स्ट्रेन इन ईच ऑफ द लैटरल डायरेक्शन, ठीक है, इन ईच ऑफ द लैटरल डायरेक्शन टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट इट वुड बी अंडर सिग्मा वन एक्टिंग अलोन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक तो आपका शुरू में बोल दिया कि सिग्मा वन जो स्ट्रेस है वो लग रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, और अदर डायरेक्शन में जो दो डायरेक्शन है वाई और जेड डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में आपका सिग्मा टू लग रहा है, दोनों डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में जो है वो क्या लग रहा है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिग्मा टू इज अप्लाइड अलोंग ईच ऑफ द अदर टू लैटरल डायरेक्शन, ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में लग रहा है। और अगला स्टेप क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर सिग्मा वन सिर्फ अकेले लग रहा है, सिग्मा वन सिर्फ अकेले लग रहा है तो जितना स्ट्रेन है उसका आधा उसके इक्वल है, जो पहले का स्ट्रेन है, जो पहले जो स्ट्रेन है ना वो अभी जो सिग्मा वन लग रहा है उसका जो स्ट्रेन है उसका हाफ हो जाएगा। मतलब अगर सिग्मा वन सिग्मा टू दोनों लग रहा है तो अगर ई स्ट्रेन है तो अगर सिर्फ सिग्मा वन अकेले लग रहा है तो ई बाई टू स्ट्रेन हो जाएगा बस, और यही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में कि जो वैल्यू ऑफ सिग्मा टू क्या होगा, तो सिग्मा टू का वैल्यू निकालना है। तो इसका हम आंसर ऑलरेडी हम बनाए हुए हैं, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो आइए देखते हैं आंसर। देखिए इस सब क्वेश्चन से थोड़ा सा घबराइए मत, ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अगर आपको CIL के लिए जनरली CIL में भी पूछ सकता है लेकिन स्किप कर सकते हैं इसको, ये UPSC के लिए। अब हम ESC प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन कराएंगे और नहीं कराएंगे, हम कराएंगे तो पूरा कंप्लीट ही कराएंगे ना। आपको अगर कोई क्वेश्चन अगर लगता है कि नहीं न्यूमेरिकल है या फिर ज़्यादा समझने लायक क्वेश्चन है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये पूरा आपको करना जरूरी है। एक दो क्वेश्चन आप स्किप कर दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, CIL के लिए आपको हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आए लेकिन फिर भी आपको बनाना जरूरी है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो देखिए कुछ बोले हैं आपको, हम कुछ बोले ही नहीं है, क्या बोले हम कि सिग्मा वन लग रहा है, सिग्मा टू लग रहा है, एक बार लग रहा है सिर्फ सिग्मा वन, और दोनों का स्ट्रेन जो है वो एक बार बराबर कर देना है, इसका आधा कर देना है, इसका पूरा रहेगा। तो देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है, नेट स्ट्रेन इन लैटरल डायरेक्शन व्हेन सिग्मा वन एंड सिग्मा टू एक्टिंग बोथ, तो क्या हो जाएगा E2 क्या हो जाएगा, E2 इक्वल्स टू 1/E सिग्मा टू माइनस म्यू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। ये अभी हम बताएं ना कि अगर आपको E2 निकालना है तो क्या करेंगे, सिग्मा टू डिवाइडेड बाई ई माइनस म्यू जो अदर डायरेक्शन में है, अदर डायरेक्शन में क्या है, सिग्मा वन है और एक सिग्मा टू है, सिग्मा टू दो डायरेक्शन लग रहा है, सिग्मा वन एक डायरेक्शन लग रहा है, तो ये हम लिख दिया आपका एक इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे जो ये हो गया। अब सिंस ऑल द स्ट्रेसेस आर कंप्रेसिव सो इक्वेशन विल नॉट चेंज, सारा इक्वेशन कंप्रेसिव है तो इक्वेशन वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जब टेंशन रहता है जैसे सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू म्यू सिग्मा टू डिवाइड बाई ई रहता है, तो अगर कुछ टेंशन रहता है तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब ये हो गया, अब क्या बोला है, सिग्मा वन अकेले एक मतलब लग रहा है तो उसमें जो आपका स्ट्रेन है E2' अगर हम ले लेते हैं तो माइनस म्यू सिग्मा वन डिवाइडेड बाई ई होगा, क्योंकि लैटरल डायरेक्शन में हम लोग निकाल रहे हैं, E2 डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो माइनस म्यू सिग्मा वन डे। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जो E2 का जो वैल्यू है वो E2' के वैल्यू से हाफ है, तो E2' के वैल्यू से हाफ कर दिए और दोनों को इक्वेशन के ये और ये इक्वेट कर दिए, तो जैसे ही आप इक्वेट करोगे तो आपका एक इक्वेशन आ जाएगा और सिग्मा टू का वैल्यू म्यू डिवाइडेड बाई टू इंटू माइनस वन माइनस म्यू इंटू सिग्मा वन, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो यही चीज़ तो है, तो इसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 क्या बोला है, इन ए पार्टिकुलर मटेरियल इफ़ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू द बल्क मॉडुलस, मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी इज इक्वल्स टू द के हो गया, तो आपका पॉइजन्स रेशियो का क्या वैल्यू होगा वो चीज़ निकालना है। तो पॉइजन्स रेशियो का एक फार्मूला है जिसको आपको याद रखना होगा, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, 3K माइनस 2G डिवाइडेड बाई 6K प्लस 2G, ये फार्मूला होता है, और आप इस फार्मूला को रट जाओ, यहाँ पे आप के और जी सेम हो जाता है, तो 3 - 2 = 1 और 6 + 2 = 8, तो 1/8 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/8 मतलब 32 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, ए शॉर्ट बार एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड एक्सियल फोर्सेस एट इट्स टू एंड्स, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म एट। देखिए थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है, तो इसमें एक प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंट वेनेंट प्रिंसिपल, सेंट वेनेंट का नाम सुने होंगे, ये थ्योरी ऑफ फेलुअर में आपका ये प्रिंसिपल पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेंट वेनेंट प्रिंसिपल ऑफ रैपिड डिसिपेशन ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस द सेक्शन विथ
उसका एक स्टेटमेंट ही है ये, द सेक्शन विथ यूनिफॉर्म लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल अकर एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द इंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, सेक्शन रीजनेबली अवे फ्रॉम द टू इंट्स ऑफ द बार। ये सेंट वेनेंट जो प्रिंसिपल है वही बोलता है कि जो सेक्शन होता है विथ यूनिफॉर्म लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल अकर एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द इंट। तो यहाँ पे इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवेन फिगर शोइंग द एक्स वाई क्वार्टर प्लेन ई एक्स एंड ई वाई आर लीनियर स्ट्रेन इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन एंड ई थीटा इज द लीनियर स्ट्रेन इन द डायरेक्शन एट इंक्लाइंड ऑफ द थीटा ऑफ एक्स टू वाई, द शियर स्ट्रेन फाई इज डिफाइंड एज सोन, द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ थीटा इज गिवेन बाई थीटा इक्वल्स टू अल्फा वेयर टेन टू अल्फा इज इक्वल्स टू। तो टेन टू अल्फा कितना होगा, यहाँ पे ये चीज़ निकालना है। तो आपको यहाँ पे आप टेन टू अल्फा निकालेंगे तो टेन टू अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन टू अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इस फिगर से आप देखोगे तो फाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई ई एक्स माइनस ई वाई जो हो जाएगा आपका, ये आपका टेन टू अल्फा हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 34 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा एक्स माइनस ई वाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पे फर्स्ट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी हम बहुत सारा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक थ्योरेटिकल भी स्टार्ट करेंगे और कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप का भी हम बताएंगे आप लोग को एग्जाम से पहले जो क्विक रिवीजन किया जाता है, सारा चीज़ बताएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।